अपने ही नेताओं के भारी विरोध के बाद आखिरकार दानापुर की भाजपा विधायिका आशा सिन्हा की नींद खुल ही गई। उन्होंने आज मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण योजना अंतर्गत 8 करोड़ की लागत से बनने वाली 10 योजना का शिलान्यास किया। पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव की मौजूदगी में कार्यक्रम की शुरुआत शाहपुर के डिफेंस कॉलोनी से हुई। इसके अतिरिक्त तुरहा टोली, चांदमारी, मुबारकपुर, ठाकुर चौक के निकट कई योजनाओं का शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री पूरे बिहार के साथ साथ दानापुर के विकास को लेकर काफी गंभीर हैं और विभिन्न योजनाओं के साथ दानापुर विकास की ओर अग्रसर है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं बिहार सरकार के माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी को और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शैलेश कुमार जी को, जिन्होंने हमारे संसदीय क्षेत्र दानापुर के अंतर्गत माननीय विधायक श्रीमती आशा सिन्हा और हम लोगों के प्रयास से लगभग 8 करोड़ की योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से स्वीकृत किया गया है और आज कार्य प्रारंभ कर दिया गया। मालूम हो कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा विधायिका अपने ही पार्टी के निशाने पर थी। कई नेताओं ने इनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया कि दानापुर में 16 वर्षों से विकास ठप है, लेकिन विधायिका ने आज 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास कर जनता और पार्टी का भरोसा जीतने का प्रयास की है। दानापुर में आपका जितने हमारे रोड ग्रामीण वाला खराब था, सारे रोड पास हो गए। जैसे आप रघुरामपुर पंचायत देखिए, लखनी बिघा देखिए, सरारी देखिए, कोथमा देखिए, जमसौद देखिए, सारे रोड का अनुशंसा किए, सारा रोड पास हो गया है, असली नाश हो रहा है, काम होने जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बिहार 15 साल पीछे देखिए क्या स्थिति में था, आज देखिए क्या उन स्थिति में। विरोधी कितनों काम कर दीजिए, विरोधी हल्ला करेंगे, उनका कोई विषय नहीं है, झूठों का हल्ला करते हैं, कुछ काम नहीं हुआ। जनता देख रही है कि मेरा बिहार में कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ, ऐसा बात नहीं। विरोधी विरोधी होते हैं, कितनों आप कर दीजिए, विरोधी हल्ला करेंगे। इसलिए मैं आदरणीय एमपी साहब को धन्यवाद देती हूँ, कितना बहुमूल्य समय दानापुर के लिए दिए हैं। यहाँ के जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपका इंतजार के घड़ी खत्म हुआ। आने वाले दिन में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आशा सिन्हा किस भूमिका में रहती है। लाइव इंडिया के लिए दानापुर से शोएब खान की रिपोर्ट।